फतेहनगर गांव में फतेहनगर क्रिकेट टीम फकीराबाद जिला स्तरीय टूर्नामेंट में फाइनल जीतने के बाद आज हमारे गांव के क्रिकेट टीम को उनको शार्वर से सम्मान और फूलों के हार से पहनाया जाएगा और उनको गांव की तरफ से बधाई देता हूं और उन्होंने अच्छे खेलने के लिए और मंडल स्तरीय में जिला स्तरीय में राष्ट्र स्तरीय में उनको अच्छा खेलने के लिए उनको और क्रिकेट किट और जो है सो 5,000 रुपये का बहुमति केएसयू सेना की तरफ से देना चाहेंगे और वॉलीबॉल टीम के लिए भी वॉलीबॉल किट के लिए उनको 1,500 रुपये का इनाम दिया जाएगा और पूरे बच्चे जो है ना अच्छा खेलने के लिए और अच्छे काम करने के लिए और पढ़ाई लिखाई में भी उन लोग जो है ना अच्छा पढ़ना अच्छा लिखना माँ बाप से जो है ना अच्छी चीज़ें सीख लेके अच्छी तरक्की करना इसके लिए हर बच्चे जो है ना शाम में आना हर रोज जो है ना अच्छे पढ़ने लिखने में जो है ना हर चीज में सामने फतेहनगर के बच्चे रहना मंडल की तरह मंडल में भी रहें दो किधर भी रहें दो टूर्नामेंट के लिए भी अगर हम कोई कुछ बोलेंगे तो भी हम उनको शाम में लेके जाएंगे अच्छे काम करेंगे और अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही टूर्नामेंटों में फाइनल्स जीत कर आएंगे तो और अच्छे अच्छे प्रोत्साहन मिलेंगे और हमारे तरफ से केएसयू ना युवा सेना की तरफ हमारे गांव में कभी तक का शकील अन्ना जो अगर आज जो है क्रिकेट टूर्नामेंट फकीराबाद में क्रिकेट टूर्नामेंट था अपना जो है 40-50 टीम पार्टिसिपेट करे उसमें फतेहनगर भी पार्टिसिपेट करे और जो है हम लोग खेल का जो है फाइनल लेके लेके आए इस वजह से हम लोगों को जो है आज फूलों का शाल का जो है सम्मान हुआ फतेहनगर में और हमारे DRS लीडर और हमारे खसूसन हमारे उप सरपंच साहब जियाउद्दीन साहब जो है हमारे को फूल और शाल और हमारे को क्रिकेट किट और वॉलीबॉल की जो है किट करे और हमारे TRS लीडर भी जो है उसमें हमारे को बहुत सपोर्ट करे हमारे को अब से नहीं 8-7 साल से हमारे को फुल सपोर्ट मिलता आया फतेहनगर को और दूसरी बात यह है कि हमारे को ग्राउंड नहीं है फतेहनगर क्रिकेट ग्राउंड नहीं है मैं ये इस वीडियो के जरिए मैं हुकूमत को कहना चाहूँगा कि हमारे MLA साहब को बोलना चाहूँगा कि ग्राउंड के लिए करें हमारे को हमेशा से हमारे को TRS पार्टी का सपोर्ट रहा 7-8 साल से अभी भी मैं यही उम्मीद करता हूँ और हमारे प्रेस वालों को हमारे लोकल जो हमारे हमारे जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको सबको शुक्रिया अदा करते हुए मैं अलविदा कहना चाहूँगा।